कपिल शर्मा शो। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा होगा जिसने इस शो का नाम नहीं सुना होगा। और आज का वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस शो में एज अ ऑडियंस पार्टिसिपेट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखिए, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंडना शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द कपिल शर्मा शो में पार्टिसिपेट करने के लिए एज अ ऑडियंस पहले कुछ प्रोसेस अलग था। लोग फिजिकली अवेलेबल होते थे उस शो में और क्वेश्चंस वगैरह पूछते थे जो भी स्टार्स वहाँ पे एज अ सेलिब्रिटी आते थे, वहाँ पे एज अ गेस्ट आते थे। तो लेकिन अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के चलते द कपिल शर्मा का जो प्रोसेस है पूरा चेंज हो चुका है। तो एज अ ऑडियंस अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे सिंपल दो स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है कि एक वीडियो बनाना है 15 से 20 सेकंड का, जिसमें आपको बताना है आपका नाम, आपका एज, आप किस शहर से हो और आप क्या करते हो। ये चार चीज़ आपको इस वीडियो में बनानी है और ये वीडियो ज़्यादा लंबा आपको नहीं खींचना है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 सेकंड का ही होना चाहिए। स्टेप नंबर टू, आपको इस वीडियो को पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे और टैग करना है दो इंस्टा हैंडल पे। उनका आईडी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, TKSS ऑडियंस और दूसरा हैंडल है कपिल शर्मा। ये दो इंस्टा हैंडल पे आपको टैग करना है और आपका प्रोसेस होता है यहाँ पे कंप्लीट। और अब बारी आती है स्टेप नंबर थ्री की। स्टेप नंबर थ्री में आपको कुछ नहीं करना है, अब जो भी काम किया जाएगा पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कपिल शर्मा शो ही हैंडल करेगा। और उसके बाद अगर आपका वीडियो सेलेक्ट होता है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है मैं इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ, अगर आपका वीडियो सेलेक्ट होता है तो आपको लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके बाद आप डिजिटली उनसे बात कर पाओगे। मतलब जो भी गेस्ट आएंगे उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। यूजुअली मतलब जो पहले लाइव होता था, फेस टू फेस फिजिकली आप प्रेजेंट होते थे, अब वो डिजिटली आप अवेलेबल होगे उसके स्क्रीन पे और आप बात कर पाओगे। और उसको टेलीकास्ट भी किया जाएगा नेशनल टीवी पे, जो कि बहुत लोगों की इच्छा होती है भाई इस शो में जाने के लिए और बहुत ही पॉपुलर शो है। और अब मैं बात करूं यहां पे सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा भाई, अगर जब आप ये वीडियो बना रहे हो तो आप अच्छे से प्रेजेंट करो अपने आप को। मतलब आपका नाम अच्छे से बताओ, एज, शहर और जो भी है उसको अच्छे से बताओ और यूज़ करो। अगर माइक वगैरह यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, या फिर हेडफोन लगा के यूज़ करो, जिससे मतलब आपकी ऑडियो जो है एकदम क्लियर है। इसके ये काम करो। सेकेंडली बैकग्राउंड अच्छा हो, और अगर आपके पास कैमरा है कोई प्रोफेशनल उससे अगर शूट करके भेजोगे तो फिर काफ़ी इंप्रेसिव होगा और सिलेक्शन का जो चांसेस है काफ़ी बढ़ जाएगा। और जब आप वीडियो बनाओगे तो उस टाइम पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो तो शायद आपके चांसेस हो जाएंगे। तो ये कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन कपिल शर्मा शो ने हमें नहीं प्रोवाइड किए, लेकिन ये मेरा मानना है एज अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। दोस्तों यही था सिंपल सा प्रोसेस। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कपिल शर्मा शो के में एज अ ऑडियंस पार्टिसिपेट करने के लिए डिजिटली, तो ये प्रोसेस है, इसको फॉलो कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नंबर शायद ज़रूर लग जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे और आपको मौका भी मिलेगा, पूरे नेशनल टीवी में सब लोग आपको देखेंगे। तो एक मतलब जिसको इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो यही सिंपल प्रोसेस है। और अगर आप सिलेक्ट होते हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि भाई मैंने वीडियो बनाया और उसको देख के किसी ने अगर सेलेक्ट होता तो मेरे उससे ज्यादा मुझे खुशी, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश होऊंगा। तो ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पे भी सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।